रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज अंबाला पहुंचे और यहां आकर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 9 सितंबर को शुरू होने वाली हुड्डा की जन क्रांति रथ यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत की और सरकार को जमकर कोसा। क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, देखिए हमारे साथ। अंबाला रूबरू कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 9 सितंबर को पेवा से शुरू होने वाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन क्रांति रथ यात्रा का निमंत्रण दिया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पेवा में 9 सितंबर को बड़ी जनसभा होगी, जिसके बाद जन क्रांति रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में रहेगी। उन्होंने इस मौके पर अंबाला के लोगों से जन क्रांति रथ यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिलीप चावला और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी थे। ये आज हम 9 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जन क्रांति रथ यात्रा कुरुक्षेत्र पेवा के अंदर पहुंच रही है और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रथ यात्रा रहेगी और पेवा के अंदर 9 सितंबर अगले इस इतवार को एक बड़ी जनसभा के साथ उस रथ यात्रा का आगमन होगा, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल साथ लगती हुई पेवा से टच होती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता पहुँचे उस पेवा में 9 तारीख को, तो उसके निमंत्रण के लिए आज का कार्यक्रम है। 9 तारीख की रैली में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता फूलचंद मुलाना जी, निर्मल सिंह जी, नवीन जिंदल जी, कुलदीप शर्मा जी, कैलाश हुसैनी जी, हरमिंदर सिंह चट्ठा जी, सारे लोग उस दिन शिरकत करेंगे, तो आज हम उसके लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह राजनीतिक द्वेष से दर्ज किया गया मामला है। भाजपा ने विफलताओं को छिपाने के लिए मामला दर्ज करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मामला पहले दर्ज किया गया, जाँच की अनुमति बाद में मांगी जा रही है। यह बताता है कि एफआईआर बहुत दबाव में दर्ज हुई है। इस दौरान भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की बजाय खुले मैदान में आकर बात करें। पूरी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी विफलता से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब कुछ महीने ही बचे हैं और ये सरकार विफल हो चुकी है। हुड्डा साहब की लोकप्रियता प्रदेश के अंदर जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, इन बातों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए झूठा मुकदमा और बदले की भावना की कार्रवाई भाजपा सरकार ने करी है। और मैं समझता हूँ कि आपने देख भी लिया ये जो मामला है, एक तो जो शिकायत करता है उसका क्या बैकग्राउंड है, अब धीरे धीरे सारी बात सामने आ रही है। जिस मामले पे ये एफआईआर दर्ज की गई है, हाई कोर्ट से 2 साल से स्टे, ढींगरा कमीशन उसी बात में गठित किया गया था और हाई कोर्ट से 2 साल से स्टे चल रहा है, तो कोई ना कोई तर्क रहे होंगे वहाँ, तभी हाई कोर्ट ने 2 साल से स्टे दे रखा है। और जिस प्रकार से भाजपा ये बदले की भावना की कार्रवाई कर रही, ये प्रजातंत्र में पूरे देश में, केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में और केवल कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टी, ममता बनर्जी पे मुकदमे, अरविंद केजरीवाल पे मुकदमे, लालू प्रसाद यादव जी पे मुकदमे, मायावती जी पे मुकदमे, हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार पे मुकदमे, चिदम्बरम जी पे मुकदमे, वीरभद्र जी पे मुकदमे, अमरिंदर जी पे मुकदमे, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी पे मुकदमे, तो ये भाजपा के पास ऐसी कैसी जादू की छड़ी है कि पूरे देश के तमाम विपक्ष के नेता किसी भी पार्टी से संबंधित हों, आम आदमी, तृणमूल, कांग्रेस, सारे सब पे मुकदमे, मायावती, सारी पार्टियों पे मुकदमे और चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई झूठा मुकदमा है, बदले की कार्रवाई इनको मैं समझता हूँ ये लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग हैं, लोग सब समझदार हैं और जनता सब जानती है। वही कह रहा, ये भी एक मुद्दा है कि ये जिस आनन फानन में किया गया, लगता है कि ऊपर से बड़ा प्रेशर था, ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि 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 इस तरह के मामले में पहले परमिशन ली जानी चाहिए, परमिशन ली नहीं गई, सभी दोस्तों से गुजारिश है, परमिशन ली नहीं गई और इस मुकदमे को दर्ज कराने का काम हुआ, तो ये जितनी जल्दी से, जितनी तेजी जल्दबाजी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, स्पष्ट दिखाई देता है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की गई है
और भाजपा को झूठे मुकदमे सरकार के पर्दे के पीछे छुपके झूठे मुकदमे बनवाने के बजाय भाजपा खुले मैदान में आए, हम चुनौती देते हैं भाजपा खुले मैदान में आए, वो अपने बात काम बताएं, हम अपने काम बताएंगे, लोग तराजू पर रख के फैसला करेंगे, खुले मैदान में भाजपा है।